आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मैं आपके स्मार्टफोन के पासवर्ड को यहाँ पे अनलॉक करके दिखाऊंगा। और यदि आपके स्मार्टफोन में इस तरह का पासवर्ड लॉक लग गया है, आप यकीन मानिए गारंटी के साथ आप इस वीडियो को जब देख लेंगे एक बार पूरी तरह से, आपका स्मार्टफोन 2 से 3 मिनट में अनलॉक हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, यदि आपका मोबाइल लॉक है, आपका पिन पैटर्न पासवर्ड आप भूल चुके हैं, तो उस केस में आप कैसे अपने मोबाइल को अनलॉक करेंगे, जाने आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में, जहां पे इस मेथड को करने के लिए बिना कंप्यूटर, बिना कोई सॉफ्टवेयर और सबसे बड़ी बात बिना किसी डेटा लॉस के हम आपके मोबाइल को घर बैठे अनलॉक कैसे करना है वो बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जहां पे हम आपको पूरे डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को यहां पे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप यहां पे देख लीजिए आपका मोबाइल लॉक है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपने स्मार्टफोन को आपको सबसे पहले एयरप्लेन मोड में डालने की कोशिश करनी है। यदि आपका ये एक्टिवेट हो गया तो समझो कि आपका 50% काम हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल की बैटरी को कम से कम पूरा चार्ज कर दीजिए, कम से कम 50%। और तीसरा काम कि आपको अपने मोबाइल में से सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड को दोनों को बाहर निकाल देना है। अब आप अपने मोबाइल को अनलॉक करने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है कि सिंपली अब आपको यहाँ पे पावर बटन को और यहाँ पे वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ आपको यहाँ पे प्रेस करके रखना है, और आपको छोड़ना नहीं है जब तक कि आपका स्मार्टफोन यहाँ पे बूटिंग मोड पे ना चला जाए, ठीक है। और जैसे ही आपका डिस्प्ले यहाँ पे ब्लैंक होगा, आपको यहाँ पे पावर बटन को छोड़ देना है, लेकिन वॉल्यूम बटन को आपको नहीं छोड़ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, जब तक आप इसे समझेंगे नहीं आप मोबाइल को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिए बिना वीडियो को स्किप किए हुए, यदि आपने स्किप किया तो शायद आप मेथड को नहीं सीख पाएंगे प्रॉपरली, और अपने मोबाइल को आप अनलॉक भी नहीं कर पाएंगे। तो एक बार आप प्रॉपरली पहले पूरी तरह से वीडियो को एक बार वॉच कर लीजिए, 3 से 4 मिनट की वीडियो है लेकिन आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो है। अब यहाँ पे मैंने इसे प्रेस करके रखा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, थोड़ा सा आपको टाइम टेकन लग रहा होगा लेकिन यही आपका मेजर वर्क है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे लगेगा कि आपके स्मार्टफोन में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे वो बैकग्राउंड में आपका मोबाइल में काम हो रहा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसे छोड़ देना है। अब आपको सिंपली पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन को दोनों को एक साथ फिर से प्रेस करना है, और जैसे ही आपको मोबाइल का लोगो दिखेगा आप यहाँ पे पावर बटन को छोड़ दीजिएगा, लेकिन आपको वॉल्यूम बटन को नहीं छोड़ना है, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे करना है, और जल्द ही आपके स्मार्टफोन में एक नया पेज आएगा, जैसे ही वो पेज दिखेगा आपको यहाँ पे वॉल्यूम बटन छोड़ देना है। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इजी सा स्टेप है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा देर आपको यहाँ पे वेट करना जब तक कि आपका ये पूरी तरह से बूट ना हो जाए, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और जैसे ही आपका ये बूट होगा मोबाइल में पासवर्ड भी नहीं मांगेगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने घर बैठे इस मोबाइल को अनलॉक कर दिया, वो भी बिना किसी पासवर्ड के, बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी सॉफ्टवेयर के। तो इस तरह से आप किसी भी मोबाइल को घर बैठे अनलॉक कर पाएंगे। यदि आपका अनलॉक नहीं हुआ तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ज्वाइन कर लीजिए। जैसे आप ज्वाइन करेंगे हमारी टीम की तरफ से आपको एक व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल चला जाएगा, जिसके हेल्प से हम 2 मिनट में गारंटी के साथ आपके मोबाइल को अनलॉक करके दे देंगे।